मेरे ख्याल में कई दिन से यहाँ दो चार लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं जी चौक तो हमारे साथ ही भी साथ गाना शुरू कर देते हैं। ये कई दिन से हम यहाँ बैठे हुए हैं, जब तक ऐसी पॉलिसी हमारी बतौर जमात के और हिज़्ब इख्तलाफ के नहीं बनती, आप हजरात बड़े सियासी लोग हैं और सियासी कारकुन हैं, इस किस्म की बातें जो हैं अब तर्क होनी चाहिए। और कोई ऐसा आदमी जो खामखा हमारे साथियों को एक आवाज़ देता है और इश्तियाल दिलाता है और फिर हमारे साथी भी जज्बात में उसी रौ में बोलना शुरू कर देते हैं, अब इस विर्द को ख़त्म हो जाना चाहिए और संजीदगी के साथ आने वाले मुस्तकबिल पर अपनी नज़र रखनी चाहिए। بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم عمائدين قوم اكابر علماء کرام بزرگان ملت میرے دوستوں اور بھائیوں मैं तो हर तरह से असबाब हलाकत देखूं, ऐ वतन काश तुझे अब के सलामत देखूं। ये जो बेजर्फ थे अब साहिब मेखान हुए, ये जो बेजर्फ थे अब साहिब मेखान हुए, अब मुश्किल कोई दस्तार सलामत देखूं। मेरे मोहतरम दोस्तों, कई रोज से आजादी मार्च इस्लामाबाद की सरजमीन पर बराजमा है, अपने मुतालबे के तसलसल को बरकरार रखे हुए हैं और हमें कहा जाता है कि ये तो हमेशा लोग इस्लामाबाद आएंगे और कहेंगे कि हुकूमत चली जाए तो फिर तो ये रिवायत बन जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि 2014 में डी चौक पर 126 दिन के धरने पर एतराज क्यों नहीं था और आज पूरी कौम तमाम सियासी जमातों और हर शोबे जिंदगी से वाबस्ता तंजीमों के इस आजादी मार्च पर क्यों एतराज किया जा रहा है। मैंने कल भी कहा था कि जब वो हिज्ब इख्तलाफ में था तब हिज्ब इख्तलाफ की जमातों ने भी उनका साथ नहीं दिया और उस वक्त भी पार्लियामेंट की तमाम जमातें एक पेज पर थी और आज जब वो हुकूमत में है तब भी तमाम जमातें एक तरफ हैं और वो इस वक्त भी तन्हा है। तो अवाम के इस मुतालबे को मानना पड़ेगा। हमने नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा किया है, तुमने 18 साल से मुसलसल मजहबी दुनिया के हवाले से जो उसकी गलत तस्वीर दुनिया के सामने रखी थी, मैं आज बताना चाहता हूं
कि 126 धरने 126 दिन के धरने की जो तस्वीर दुनिया के लिए बड़ी दिलकश थी, आज भी डी चौक पर उसकी बदबू महसूस की जा रही है। और जिनके चेहरों को तुमने बड़ा खौफनाक और गलत अंदाज के साथ दुनिया के सामने पेश किया, इस धरने के और इस आजादी मार्च की खुशबू भी पाकिस्तान के दहाइयों के मुस्तकबिल पर फैली हुई नजर आएगी इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, पूरी कौम आपको देख रही है और पूरी कौम आपको खिराज तहसीन पेश कर रही है कि आपने पाकिस्तान की तारीख में सियासी जमूत को थोड़ा है, आपने पाकिस्तानी कौम की मायूसियों को उम्मीदों में तब्दील किया है और दुनिया को बता दिया है कि इंतकाम के नाम पर एहतसाब का ड्रामा अब मजीद नहीं चल सकेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज दाखिली तौर पर हम गैर मुस्तहकम हैं, खारजी महाज पर हम तन्हा हैं, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन, अफगानिस्तान के साथ हम अपना एतमाद बरकरार नहीं रख सके हैं, ईरान हमारी निस्बत हिंदुस्तान को अहमियत दे रहा है, और वो चीन जिसकी दोस्ती को हम दुनिया के सामने बतौर मिसाल पेश किया करते थे कि चीन की और पाकिस्तान की दोस्ती हिमालया से बुलंद है, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती समंदर से गहरी है, और चीन और पाकिस्तान की दोस्ती शहद से मीठी है। वो 70 साल हमारी दोस्ती जब हमारे इक्तसादी दौर में दाखिल हुई, इक्तसादी दोस्ती में तब्दील हुई, और पहले मरहले में सीपैक की सूरत में उसने 70 अरब डॉलर की पाकिस्तान में सरमायाकारी की, इस मौजूदा हुकूमत ने आकर चीन जैसे दोस्त मुल्क की सरमायाकारी को गारत कर दिया। आज वो दोस्त जिसकी दोस्ती हिमालया से बुलंद, समंदर से गहरी और शहद से मीठी थी, आज हम उसका भी एतमाद खराब कर चुके हैं। आज वो पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं हो रहा, हमने उसके एतमाद को ठेस पहुंचाई है, और सी पैक मुआहिदा जो पूरी दुनिया से हमें इक्तसादी तौर पर रबते का जरिया बन रहा था, आज हम फिर वही खड़े हैं जहां किसी जमाने में हम खड़े थे। ऐसे हालात में माशी सूरत हाल यह है कि फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मिलें बंद हो रही हैं, यूनिट्स बंद हो रहे हैं, लाखों की तादाद में मजदूर बेरोजगार हो रहा है, और जाहिर है कि जब पैदावारी इदारे बंद हो जाएंगे तो मार्केट में अशियाए जरूरत नापेद हो जाएंगी और फिर महंगाई आसमान को छुएगी। आज कोई गरीब आदमी बिजली का बिल अदा नहीं कर सकता, और आज शायद दोबारा बिजली को 2 रुपए मजीद महंगी कर दी गई, गैस महंगी कर दी गई है, अशियाए जरूरत की कीमतें आसमान पे पहुंच गई हैं,
ये जब से आए हैं 3.5 रुपए पेट्रोल भी महंगा हो गया है।